WPL 2023 का आगाज हो चुका है, जहां बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से पहला मैच खेला गया। हरमनप्रीत कौर, जैसा हमारे फोटो पे लगा है, हरमनप्रीत कौर ने लगातार शुरुआती 7 गेंदों में 7 चौके लगाए और कहीं ना कहीं 2008 IPL की याद दिला दी। जिस तरह से ब्रेंडन मैकलम ने 2008 में पारी खेली थी RCB के खिलाफ, कुछ उसी अंदाज में हरमन ने पारी की शुरुआत की और WPL का पहला मैच उसी तरह यादगार बना दिया। हरमन को इस ताबड़तोड़ पारी के लिए मैन ऑफ द मैच भी चुना गया और ये WPL का पहला मैन ऑफ द मैच हरमन को मिला। सबसे ज्यादा टॉप स्कोर भी हरमन के नाम है और पहली टीम हरमन की प्रीत की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने जीत दर्ज की है। तो WPL का जो इतिहास है, ये नंबर रहेंगे, ये हमेशा हरमन को याद रखा जाएगा इसके लिए। वही अगर बात करें, आज 2 डबल डेकर मुकाबले खेले जाएंगे। पहला RCB बनाम दिल्ली का होगा, दूसरा मैच UP बनाम गुजरात खेला जाएगा। गुजरात को अपने पहले ही मैच में करारी हार का सामना करना पड़ा था, वहीं यूपी के पास एक मौका होगा कि शानदार शुरुआत करे टूर्नामेंट की। अगर WPL के फॉर्मेट की बात करें तो नंबर एक पे रहने वाली टीम जो पॉइंट टेबल पे नंबर एक पे रहेगी उसे सीधे फाइनल में एंट्री मिलेगी। वहीं नंबर दूसरे और तीसरे पे रहने वाली टीमों को एलिमिनेटर मुकाबले खेलने पड़ेंगे। इनमें से जो टीम जीतेगी वो सीधे फाइनल में जाएगी। वहीं अगर बात करें तीसरे और चौथे और पांचवें नंबर की टीम को, तो चौथे और पांचवें नंबर की टीम को सीधे घर वापस करना जाना पड़ेगा। आपको बता दूं कि 24 मार्च को डीवाई पाटिल स्टेडियम में पहला एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा, वहीं ब्रबॉन स्टेडियम में 26 मार्च को WPL का फाइनल खेला जाएगा। अगर इसकी प्राइज मनी की बात करें तो इसकी प्राइज मनी भी काफ़ी जोरदार है, सभी को चौंका सकती है। WPL के विनर प्राइज मनी है वो 6 करोड़ रखी गई है। इसके अलावा रनरअप की जो सेकंड नंबर पे रहेंगे उनके लिए 3 करोड़ की प्राइज मनी रखी गई है। वहीं नंबर 3 पे रहने वाली टीम को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। आपको बता दूं कि 21 मार्च तक ये लीग के मुकाबले खेले जाएंगे, उसके बाद ब्रेक लिया जाएगा। 24 मार्च को पहला एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा, उसके बाद 26 मार्च को WPL का फाइनल खेला जाएगा। इसके बाद मेंस IPL की शुरुआत हो जाएगी। पहला मैच गुजरात बनाम CSK खेला जाएगा। एक तरफ होंगे हार्दिक पांड्या जिन्होंने पिछला खिताब जीता है, दूसरी तरफ होंगे CSK के कप्तान यानी महेंद्र सिंह धोनी, करिश्माई कप्तान जिन्हें कैप्टन कूल भी कहा जाता है। तो देखते हैं कि इस बार IPL कौन जीता है और आपको क्या लगता है इस बार WPL कौन जीतेगा। मुंबई ने धमाकेदार शुरुआत की है, RCB के सामने दिल्ली कैपिटल्स है, वहीं गुजरात के सामने एक बार फिर से UP वॉरियर्स की टीम होगी। तो देखते हैं कि कौन सी टीम इस बार IPL और कौन सी टीम इस बार WPL जीतती है। कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।